हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र मौर्य, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुरेंद्र यूपी ब्लॉग्स में। जैसा कि मैं आपका नया टॉपिक लेकर आया हुआ हूं कि हमारे भाई बहुत सारे यूपी में और पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में बहुत सारे बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। तो मैंने देखा हुआ है कि अपने 8 साल के करियर में मैंने अपना पूरा 8 साल टेलीकॉम सेक्टर में गुजारा है। मेरा लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हुआ है कई कंपनियों में। जैसा कि हमने पहले सबसे शुरुआत किया है होम टेलीकॉम में, होम टेलीकॉम लॉजिस्टिक में, फिर होम लॉजिस्टिक में, उसके बाद NWCC में, NG लॉजिस्टिक में, और फिर अभी करंट में NWCC में वर्किंग कर रहा हूँ। मेरा ऐसे टेलीकॉम सेक्टर में 8 साल मैंने काफ़ी समय दिया टेलीकॉम सेक्टर में। और मैं वैसे गैज आपको बताना चाहूँगा कि टेलीकॉम सेक्टर एक बहुत ही बढ़िया जॉब है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, इसमें जॉब लाइफ भी है जॉब के लिए और अच्छा पैकेज भी मिलता है। बट आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा बिकॉज कि आप कितनी मेहनत करते हैं और आप उससे कितना अफोर्ड कर पाते हैं, कितना आप उससे हासिल कर पाते हैं, कि कितना जितना आपको ज़्यादा ज़्यादा सीखने का मिलेगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैकेज मिलेगा। तो मैं गाइस आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने देखा अपने 8 साल में मैंने जो जॉब शुरुआत की थी, शुरुआत में मैंने 2014 में 2013 में मैंने स्टार्ट की थी 5,000 की सैलरी पर, और आज मैं आपको बता नहीं सकता इतना मैंने इम्प्रूवमेंट किया और बहुत से इतना कुछ सीखा। वेयरहाउसिंग से मैंने इतना कुछ सीखा कि आज मेरी अच्छी पैकेज है, सैलरी है और इन्जॉय भी है पूरा इस जॉब में। आपको एक तो सबसे बेस्ट वो रहता है कि आपको कंटिन्यू प्रेशर में नहीं जॉब करना पड़ता है, कभी आता है प्रेशर कभी नहीं आता है। अगर काम है तो ठीक है, नहीं है काम तो आप आराम भी कर सकते हैं, बट आपकी सैलरी नहीं कटती, आप कंटिन्यू इसमें आपकी सैलरी बनती रहती है। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि इसमें जॉब करने में आपको एक फ़ायदा और है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम इसमें सीखेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, आपको उतना ही आराम मिलेगा आने वाले समय में। यार मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैंने 2014-13 में इतनी मेहनत की थी और आज के टाइम में मैं कुछ नहीं, बस ऑफिस में जा करके बैठ करके और मेल वगैरह देखता रहता हूँ। आराम से अच्छी पैकेज, टाइम पे सैलरी, टाइम पे छुट्टी, हर चीज़ मिलती रहती है। मैं गाइस आपको यही सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आज के टाइम पे गवर्नमेंट नौकरी अगर नहीं मिल रही है तो आप प्राइवेट सेक्टर में ट्राई कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि खासकर टेलीकॉम सेक्टर में आपको नौकरी 101% मिलनी श्योर है अगर आप मेहनत करना चाहें। जैसा कि मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि टेलीकॉम सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको टेलीकॉम में लॉजिस्टिक भी आ जाता है, टेलीकॉम में आपको नोकिया भी आ जाता है, हुआवे भी आ जाता है, रिलायंस भी आ जाता है, रिलायंस जियो भी आ जाता है और ऐसे कई वो है, सेरागोन कंपनी आ जाती है, TTSL भी आ जाती है। और इसके साथ साथ टेलीकॉम सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है जिसमें इंडस इंफ्रा और टाटा, ऐसे बहुत सारे वो है, TCB, ओम, ऐसे कई कंपनियां हैं जो कि आपको तुरंत, अगर आप फ्री होते हैं और आप तुरंत रिज्यूम CV कुछ भी डालते हैं तो तुरंत आपको कैच कर लिया जाता है। कंपनियों में बहुत ज़रूरत होती है एम्प्लॉयियों की, जो कि एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपीरियंस एम्प्लॉयियों की बहुत ज़रूरत होती है टेलीकॉम सेक्टर में। मैं गाइस आपको यही सजेशन देना चाहता हूँ कि आप टेलीकॉम सेक्टर में जॉब के लिए ट्राई कीजिए और मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आपको जॉब जरूर मिलेगी। हाँ, बस आपको मैं इतना करना पड़ेगा कि टेलीकॉम सेक्टर में कुछ चीज़ें जरूर अफोर्ड करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसा कि हमारा सबसे पहले होता है कि अगर हम टेलीकॉम लॉजिस्टिक में जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर होता है वो लॉजिस्टिक पे 100% डिपेंड होता है, तो हमारा सबसे मेन पॉइंट होता है टेलीकॉम सेक्टर का। टेलीकॉम सेक्टर में जो लॉजिस्टिक होता है वो सबसे मेन पॉइंट्स होता है। जैसे कि आज के टाइम पे ओम टेलीकॉम कंपनी है वो 50% टेलीकॉम का काम करती है, NWCC है 50% टेलीकॉम का काम करती है। अब अभी मैं आपको बताऊं, मैं खुद भारतीय एयरटेल की लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग दोनों देखता हूँ। तो सबसे पहले होता है, मैं आपको गाइड बताना चाहता हूँ कि टेलीकॉम सेक्टर में जाने के लिए आप सबसे पहले आपका लॉजिस्टिक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होता है कि मान लिया, मैंने आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि
आपकी कोई साइट लगी हुई है वहाँ पे अर्जेंसी है या साइट कोई डाउन हो गई है, टावर कोई डाउन हो गया है। कस्टमर क्या होता है कि अगर एयरटेल का कस्टमर है और एयरटेल की साइट डाउन हो गई या टावर डाउन हो गया, 24 आवर्स डाउन होते ही कस्टमर क्या सोचता है कि यार इसकी सर्विसेज सही नहीं है, रिलायंस में जाते हैं, तुरंत वो सिम अपना इंपोर्ट कराने लगते हैं, जिससे कि जिसमें आप जॉब कर रहे हैं उस कंपनी का नुकसान होता है। तो आप अगर आपको उसमें नुकसान होता है तो वो आपके ऊपर आता है, उसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, आपके ऊपर कंप्लेन होती है, ऐसी कुछ बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, सिंपल सा आप लॉजिस्टिक का रूट प्लानिंग, ये चीज़ आपको नॉलेज में आनी चाहिए, कैसे उसको विद इन टाइम पर डिलीवर करना है, कैसे कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, कैसे कस्टमर को विदाउट कंप्लेन उसके मैटर सॉल्व करने हैं, ये सारी चीज़ें कस्टमर के आनी चाहिए। मैं आपको गाइस बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ कि टावर लगा हुआ है, ये टावर की साइडें होती हैं, कुछ पोल साइडें होती हैं, कुछ आरटीटी साइडें होती हैं, कुछ जीवीटी साइडें होती हैं, जिनमें कि लॉजिस्टिक में कुछ नहीं जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कई तरह के आइटम जाते हैं लेकिन नेटवर्क में कुछ दूसरे आइटम जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जाते हैं जैसे हमारे पोल जाते हैं, डीजी जाते हैं, ये सारी चीज़ें जाते हैं जो कि मैक्सिमम आपका इंफ्राटेल इंडस ATC ये सारी चीज़ें करवाती हैं, अपना स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं टावर। लेकिन जो उसमें नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं वो हमारे होते हैं भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो, टाटा, ऐसी कई कंपनियां होती हैं, जो वोडा आइडिया, ऐसी जो कंपनियां होती हैं वो उसमें नेटवर्क सप्लाई कराते हैं, कस्टमर होते हैं। ये ऐसा है कि इंडस्ट्री के कस्टमर बने होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें जब हमारी कोई साइट डाउन होती है तो हमें सबसे पहले क्या होता है कि वो चीज़ हमें प्लान करना पड़ता है कि साइड भी फास्ट डिलीवरी हो और हमारी कॉस्टिंग भी बचे। ये चीज़ भारतीय एयरटेल भी देखती है। तो जिसको भारतीय एयरटेल को जब आप सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, भारतीय एयरटेल को कस्टमर को जब सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, कोई आइटम निकालते हैं, तो सबसे पहले आपको रूट प्लानिंग देखनी होती है, कैसे रूट करके गाड़ी निकालें कि हमारी साइड भी जल्दी डिलीवर हो जाए और एक्सलेशन भी ना आए। अब आपको मैं बताना चाहूँ दोस्तों कि पेट्रोल लोड करके गाड़ी निकाल देना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। आपको मटेरियल क्या है, क्या जाना है, कितनी टाइम में पहुंचना है, उसके साथ साथ में उस आइटम की वैल्यू क्या है, उसके डॉक्यूमेंट कैसे कंप्लीट है या नहीं है, उसको अनलोडिंग कैसे करेंगे, लोडिंग कैसे करेंगे, वहां पर रिसीविंग कैसे कराएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा दोस्तों। तो आपको वीडियो शुरू कर दिया है तो आपको सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हमारे ब्लॉग्स को आप देखते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है आपको पूछना, तो आप कमेंट्स जरूर करते रहिए। सबसे पहले मैं आपको जाता हूँ लॉजिस्टिक, टेलीकॉम लॉजिस्टिक में। तो दोस्तों क्या होता है कि हमारे भारतीय नेटवर्क जो लॉजिस्टिक होती है, नेटवर्क से जो मटेरियल निकलता है, नेटवर्क के वेयरहाउस होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में दो नेटवर्क वेयरहाउस हैं, एक लखनऊ है, एक गाजियाबाद है भारतीय एयरटेल के। तो उनसे क्या होता है कि जैसे लखनऊ से होता है पूरा यूपी ईस्ट कवर करते हैं, और जो वेस्ट में होता है वो पूरा यूपी वेस्ट कवर करते हैं प्लस उत्तराखंड कवर करते हैं। तो हमारा क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि लखनऊ से ही मटेरियल निकल रहा है, तो उसमें क्या होता है हमें शाम को प्लानिंग आ जाती है, सेम डे प्लानिंग आ जाती है इफ़ एमरजेंसी नहीं है साइड। तो अगर कोई साइट पे इंस्टॉलेशन करनी है कुछ है, तो उसके लिए अगर इमरजेंसी नहीं है तो आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी है तो आपको डेडिकेटेड टाइम फास्ट डिलीवरी करानी पड़ती है ताकि कस्टमर का हैंग पर ना हो सके काम। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं गए, आप मोस्टली नॉर्मली डिलीवरी होती है, सुबह प्लान आ जाता है, जिसमें क्या होता है एक गाड़ी में दो साइड, तीन साइड, चार साइड, ऐसे करके वेयरहाउस से प्लान आता है, फिर उसको लोड करवाया जाता है। तो उसको लोड करा करके फिर साइड के लिए मूव कराया जाता है। मूवमेंट कराने समय बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और साइड पे जाने के बाद उसको रिसीविंग भी करानी पड़ती है। SP टीम, इंजीनियर, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे जो कंसर्न पर्सन होता है उससे रिसीविंग करा के आपको POD लेकर आनी पड़ती है। तो मैं आपको बताऊँ, अगर हमारी प्लान आ गया मान लिया वेयरहाउस से, तो आपको व्हीकल नंबर क्या, व्हीकल टाइप क्या बोला है, मोस्टली ये इम्पोर्टेंट होता है, व्हीकल टाइप क्या है और उस व्हीकल टाइप में मटेरियल क्या जाना है, क्या भेज रहा है वेयरहाउस में से, क्योंकि आप टेलीकॉम लॉजिस्टिक में हैं और वेयरहाउस अलग है, नेटवर्क वेयरहाउस टेलीकॉम लॉजिस्टिक को जो है प्लान देता है वो आपको मटेरियल उठा करके साइड पर डिलीवरी कराने के लिए।
तो आपको कुछ नहीं गाइस, जैसे ही प्लान आता है आप आइटम देख लीजिए उसमें क्या क्या जा रहा है और कौन सी गाड़ी लगानी है, कौन सी गाड़ी अगर मान लिया टाटा एसी बोली है मटेरियल पिकअप का, तो आप तुरंत डिस्कस करके बैर हाउस में उसको पिकअप गाड़ी करवाइए या फिर साइड कम करवाइए। मोस्टली 1, 2, 3, 4 साइडें क्लब होती है वेयर हाउस से। तो गाइस उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही प्लान आता है आप अफोर्ड कीजिए दोनों में बहुत चेक करके, मटेरियल अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप कुछ नहीं अपनी टीम को शेयर कीजिए प्लान, और वो वेयर हाउस से गाड़ी लोड कराता है, गाड़ी लोड करा के उसको ईवे बिल प्रॉपर सारे कुछ चेक करता है, ईवे बिल में क्या क्या चेक करने होते हैं, वैल्यू चेक करनी होती है, इनवाइस से ईवे बिल की वैल्यू है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप कमेंट्स करके बता सकते पूछ सकते हैं जो भी आपको कन्फ्यूजन है, मैं आपको बता दे बताऊँगा वो सारी चीज़ ले करके उसकी एक रिपोर्ट अपडेट होती है, रिपोर्ट अपडेट करके साइड के लिए गाड़ी निकाल दी जाती है। जैसे ही साइड के लिए गाड़ी निकलती है गाइस, उसके पहले ही वेयर हाउस से गाड़ी जैसे ही निकलती है उसके पहले ही आपको साइड के इंजीनियर या टेक्नीशियन या एएसपी टीम या यूजर को आपको कॉल करनी होती है। कुछ नहीं, उसको बस इतना बताना होता है कि हम जैसे कि एक एग्जांपल होता है, ड्राइवर लोग क्या करते हैं, सर मैं गाड़ी लेकर के आ रहा हूँ, ये साइड है, ये मटेरियल है, आप कब रिसीव करेंगे, बस इसी चीज़ को आपको ट्रैक करना है कि ताकि मिसकम्युनिकेशन ना हो पाए ड्राइवर और यूजर में। गाइस ऐसा होता है कि कभी कभी ड्राइवर फ़ोन नहीं उठाता, कभी ऐसे कुछ हो जाते हैं कॉल नहीं करता, तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा गाड़ी लोड कराने के बाद, ड्राइवरों को आपको समझाना पड़ेगा। जैसे ही गाड़ी यहाँ से साइट्स के लिए निकलती है आप शाम को ज़रूर ड्राइवर से टीम की एसपी टीम की कोऑर्डिनेट करवा दीजिए, और गाड़ी साइट पे जाने के बाद मटेरियल रिसीव करा के वापस आ जाइए। कुछ नहीं दोस्तों, बस आपको रिसीवर नाम नंबर नेटवर्क वगैरह उसको दे देना है, आपकी मूवमेंट कंप्लीट हो जाती है। बस इतनी सी मूवमेंट, इतनी सी ट्रैकिंग के लिए आपको गाइड कुछ नहीं, 15 से 20 हज़ार रुपये की सैलरी की आपकी नौकरी पक्की रहती है। अफोर्ड आपको केवल दोस्त कुछ नहीं, बिकॉज आपको फोन 24/7 ऑन होना चाहिए और आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है कोऑर्डिनेशन के लिए। जैसे कि आपको बताओ टेलीकॉम लॉजिस्टिक, टेलीकॉम में कई सारी वैकेंसीज होती हैं, जैसे वेयर हाउस सुपरवाइज लॉजिस्टिक वेयर हाउस सुपरवाइजर होता है, लॉजिस्टिक MIS होता है, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर होता है, SRM कोऑर्डिनेटर होता है, ऐसे SRM पैकिंग होती है, ऐसे बहुत सारी उसमें टेक्नीशियन पे वैकेंसीज होती हैं गाइस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आपको केवल इतना बता रहा हूँ कि आपको कोई भी मूवमेंट होती है उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग करनी है, और वो आपको कई कंपनियाँ ऐसी हैं, NWCC है, होम टेलीकॉम है, MG लॉजिस्टिक है, रिलायंस जियो है, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिसमें बहुत वैकेंसीज होती हैं, और आप ट्राई करके आप ट्राई कीजिए CV भेजिए वगैरह, बहुत सारी जगह होती है, आपको 15-20 हज़ार की सैलरी जरूर मिल जाएगी नौकरी। अभी गाइड मैं आपको बताऊंगा, आपको ये वीडियो में मैंने आपको इतना बताया है कि वेयर हाउस से मटेरियल लेकर के साइट के लिए कैसे डिलीवरी कराते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है गाइस तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मटेरियल आपको कैसे साइट से उठवाना है, कैसे वेयर हाउस में जमा कराना है विदाउट डैमेज हुए, और सेफ्टी के विषय में आपको बताऊंगा गाइज। तो अभी आपको बस इतना ही बता रहा हूँ मटेरियल कैसे वेयर हाउस से निकालना है और कैसे साइट पे डिलीवरी कराना है। तो आप हमारा चैनल अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।